नमस्कार दोस्तों, मैं तन्मय शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूँ प्रिपेयर फॉर एसएससी यूट्यूब चैनल पे। अब तक जो हमने वीडियोस डाली ट्रायंगल की, एवरेजेस की, टाइम एंड वर्क की, इसमें जो आपको शॉर्ट ट्रिक्स दिए, उम्मीद है आपके वो काम आ रहे होंगे और आपको क्वेश्चन चुटकियों में हो रहे होंगे। आज इसी कड़ी में हम लेके आए हैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस की शॉर्ट ट्रिक्स। ये शॉर्ट ट्रिक्स हम समझेंगे सवाल के माध्यम से। मैं आपको फिर से टाइप पढ़ाऊंगा, आप उस टाइप पे जो सवाल है अलग अलग किताब में वो आप करिए। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में अपन जो आज टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिसऑनेस्ट वाली। डिसऑनेस्ट वाली मतलब वो वाली जिसमें वो सवाल आते हैं कि भाई कि एक व्यापारी है, वो अपना माल बेचता है 1000 ग्राम बाट की जगह 800 ग्राम बाट इस्तेमाल करता है, तो उसका कितना प्रॉफिट वो कमा रहा है। इस टाइप के सवाल में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पर ये सवाल आप देखते ही बिल्कुल, मतलब सवाल देखा फट से आंसर निकाल दिया। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, अब बिना टाइम वेस्ट किए अपन सवाल लिखते हैं, सवाल के माध्यम से समझाऊंगा, पर उसमें छोटा सा कंसेप्ट समझ लो आप, जो आपको मैं जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा ना तब परसेंटेज में भी बताऊंगा, पर अब चूंकि मैं पहले ये बता रहा हूं तो आपको ये समझा देता हूं छोटा सा, कि जब भी अपन कोई भी परसेंटेज को, कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं अपन, डिवाइड करते हैं किससे, 100 से। जैसे 40% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 40/100 मतलब कितना हुआ, 2/5। 40% को अपन 2/5 लिख सकते हैं। सिमिलरली जब अपन इसको रब करते, ऐसे एक बार लिख लो, 50% को अपन कैसे करेंगे, 50/100, तो 50% को अपन लिख सकते हैं कितना, 1/2। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ये आपको फास्ट कैलकुलेशन में काम में आएंगी, इसका एक टॉपिक अलग से लूंगा मैं। ये तो मैं आपको ये डिसऑनेस्ट वाला जब सीरीज करा रहा हूं तो इसमें ये काम आएगा, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूं। ये तो था परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। सिमिलरली अगर अपन फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। जैसे इसी को ले लो, जैसे 2/5, परसेंटेज में क्या आएगा, 2/5 × 100 कितना आया, 5 से 20 गया, 40%। सिमिलरली 80% को देख लो, 4/5, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, 5 × 20 = 80%। तो अपन ऐसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, सिमिलरली परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। ये समझ लेना कंसेप्ट, इस पे सवाल क्या, ये कंसेप्ट सवाल में कैसे काम आएगा वो देखते हैं। मैं सवाल लिख देता हूं, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, बट ही यूजेस 900 grams in place of 1 kg weight. What is his प्रॉफिट परसेंटेज। जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं उनको मैं हिंदी में समझा देता हूं, लेकिन इसको आदत मत बनाइए, आपको 200 नंबर का इंग्लिश का पेपर भी देना है मेंस का। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, एक बेमान शॉपकीपर अपना माल बेचता है कॉस्ट प्राइस पे उस, लेकिन अब एक बात बताओ, कोई भी शॉपकीपर अपना माल कॉस्ट प्राइस पे बेचेगा क्या? कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में उसको पड़ा है, अब जितने में उसने खरीदा उतने में बेच देगा तो धंधा कैसे करेगा? हमेशा क्या करेगा वो, प्रॉफिट कमाने के लिए धंधा करते हैं, तो प्रॉफिट कब कमाएगा, तो जितने में खरीदा है उससे ज्यादा में बेचे।
अब जब उससे ज्यादा में नहीं बेच रहा, उतने पे ही बेच रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जितना वजन तोल रहा है उससे कम माल दे रहा है ग्राहकों को। भाई इसमें ये लिखा है एक बेमान शॉपकीपर अपना माल सीपी कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, लेकिन वो क्या करता है 900 ग्राम का बाट इस्तेमाल करता है एक किलो के बाट के स्थान पे। भाई जो 1000 ग्राम की जगह वो 900 ग्राम माल कस्टमर को देता है। अब आप इतनी से बात समझो, जो जो मैं कह रहा हूं ना बिल्कुल स्टेप बाय वैसे करो। टोटल वेट कितना है, टोटल 1 किलो 1000 ग्राम है, मतलब 1000 ग्राम का बाट की जगह वो 900 ग्राम का यूज कर रहा है। या फिर आप ये देखो कि अगर दुकान पे ग्राहक को बेच रहा है तो वो 1000 ग्राम रख रहा होगा एक तरफ पलड़े में तराजू के, दूसरी तरफ माल रख रहा होगा, माल कितना 900 ग्राम माल ही रख रहा है सिर्फ, बाकी 100 ग्राम क्या रख रहा है, पत्थर रख देता है चुपचाप या चुंबक चिपका देता है नीचे। भाई 1000 ग्राम का बाट रखा, 1 किलो का बाट रखा, 900 ग्राम माल दूसरे तराजू में रखा और नीचे चुंबक चिपका देता तराजू के 100 ग्राम। तो सिर्फ ये कंसेप्ट अपन को इस्तेमाल करना है, इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा फ्रैक्शन में, कैसे, माल कितना दिया उसने 900 ग्राम दिया, कितने ग्राम पत्थर मिला उसने 100 ग्राम, ये इसका प्रॉफिट का फ्रैक्शन आ गया 1/9। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इनटू 100, तो कितना आया प्रॉफिट परसेंटेज इसका, 100/9 कितना हुआ 11/9% ये इसका उत्तर है। फिर समझो कितना ग्राम माल बेचा, ऊपर आएगा कितना ग्राम पत्थर मिलाए, ये फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने के लिए इनटू 100, 11/9। बाकी कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसकी थ्योरी समझानी होगी वो मैं समझाऊंगा आपको, एक अलग एक वीडियो शूट करूंगा उसमें अलग समझाऊंगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक है ये, इसका जो कंसेप्ट वो भी समझाऊंगा मैं, लेकिन अभी केवल शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूं मैं आपको, एक सवाल के माध्यम से और समझते हैं अपन, पूरा सवाल लिखेंगे नहीं इसमें एडिट कर लेंगे। अ डिस्ट ऑनेस्ट शॉपकीपर की जगह है मिल्कमैन, सेल्स गुड्स की जगह है सेल्स मिल्क, एट कॉस्ट प्राइस, बट ही मिक्सेस वाटर एंड अर्न्स 16/3% ऑफ प्रॉफिट। फाइंड द रेशियो ऑफ मिक्सचर, टोटल मिक्सचर एंड मिल्क। इस सवाल में क्या कह रहा है कि एक बेईमान दूध वाला दूध बेच रहा है कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन वो क्या करता है दूध में पानी मिला देता है और इसकी वजह से उसका प्रॉफिट होता है 16/3। कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है फिर भी प्रॉफिट कमा रहा है 16/3%। तो उसका रेशियो पूछा है टोटल उस घोल का, दूध और पानी के घोल का, और उस दूध में दूध कितना है उसका रेशियो पूछा है, पूरे घोल का और दूध का इसका रेशियो पूछा है। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट क्या होता है, जितना मिलाया है, गंदगी जितनी मिलाई है, पत्थर जितने मिलाए हैं और जिसमें मिलाया है जितना माल है वो ही प्रॉफिट का रेशियो होता है। ये क्या 16/3% प्रॉफिट है, ये बस इसको अपन ये लिख सकते हैं 50/3%, 16/3 + 2/3% को अपन क्या करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने, कैसे करेंगे डिवाइड बाय 100, 50/3 × 100 1/6 ये निकल गया फ्रैक्शन अपना। बस अब सब भूल जाओ, इसको यहां लिख लेते हैं प्रॉफिट आया 1.6, 16/3 को कर दिया अपन ने कितना 1/6 में रिड्यूस कर दिया, ये फ्रैक्शन आ गया। अब ये देखो नीचे क्या आता है, असली माल कितना है, मतलब मिल्क कितना है 6 यूनिट्स, ऊपर क्या आता है गंदगी कितनी है, पत्थर कितना है, पानी कितना है, इसमें पानी मिलाया तो पानी कितना है, वाटर कितना है
1 यूनिट, तो टोटल मिक्सचर कितना होगा? टोटल मिक्सचर 6 + 1 = 7 यूनिट। पूछा क्या है? रेशियो ऑफ टोटल मिक्सचर और मिल्क। टोटल मिक्सचर है 7, मिल्क है कितना? 6। ये उत्तर आ गया इसका। कंसेप्ट को फिर समझो। प्रॉफिट, ये है प्रॉफिट, प्रॉफिट को पहले अपन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। प्रॉफिट परसेंटेज को अपन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ऊपर क्या आएगा? गंदगी कितनी है, नकली माल कितना है या पत्थर कितना है या पानी कितना है। नीचे क्या आएगा? असली माल कितना है, दूध कितना है। तो दूध है 6, पानी है 1, तो टोटल मिक्सचर है 7। पूछा क्या है? रेशियो ऑफ मिक्सचर एंड मिल्क। टोटल मिक्सचर है 7, मिल्क है 6। हो गया चुटकियों में? थैनोस की तरह चुटकियां बजानी है आपको सिर्फ, और सवाल हो जाएंगे। चलो जोक सपाट, एक सवाल और करके समझते हैं। अच्छा, ये टाइप 2 सवाल क्वेश्चन है, एक और देख लो आप। आर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स गुड्स एट, अब तक तो ये क्या कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे थे, ये और अव्वल दर्जे के बेईमान है, ये क्या कर रहे हैं? 10% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, एट 10% प्रॉफिट। बट ही यूजेस 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अब तक क्या हो रहा था, दुकानदार क्या कर रहा था कि भाई जितने में खरीदा उतने में बेच रहा था, बस थोड़ा माल कम बेच रहा था और उससे मुनाफा कमा रहा था। ये अव्वल दर्जे का बेईमान है, क्या कर रहा है कि भाई माल भी कम बेच रहा है और जितने में खरीदा था खुद ने उससे ज्यादा प्राइस में ग्राहक को बेच रहा है, तो ये ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। ये फंडा वही है, 10% प्रॉफिट पे। अब 1 किलो की जगह कितना? 800 ग्राम माल, तो टोटल कितना है? टोटल वेट 1 किलो मतलब 1000 ग्राम अपॉन में क्या आता है, नीचे क्या आता है डिनोमिनेटर में? असली माल कितना बेचा उसने? 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम बेचा, असली माल ये। पत्थर कितने के बेचे? पत्थर भी बेचे, पत्थर कितना? 200 ग्राम पत्थर बेचे। अब इसने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट जब प्रॉफिट कमाएंगे तो प्लस कितना? 10%। 10% किसका? टोटल का। इसका 10% कितना होगा? इसका 10% कितना होगा 1000 का? 100, यहां पे जोड़ दो 100, तो 300/800, 0 से 0 गया, 3/8, ये फ्रैक्शन है, इसको प्रॉफिट परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, गुणा 100, कितना आया? 37.5%। ये उत्तर है इसका, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कुछ और। नीचे क्या आएगा? टोटल, टोटल क्या, कितना टोटल माल है? 800 ग्राम ही बेचा इसको तो, ग्राहक को तो 800 ग्राम बेचा, पत्थर 200 ग्राम के मिला है, चूंकि प्रॉफिट भी कमाया तो कितना? 10% प्रॉफिट, 10% टोटल का, तो 10% जोड़ दिया इसमें 300/800। बहुत इजी सवाल है, चुटकियों में हो जाएगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे ऐसा बताया जाए वैसा करते जाओ। एक सवाल और लिख लेते हैं। इसे मैं एडिट कर देते हैं, देखो कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जिसने गुड बेचा, अब 10% प्रॉफिट पे नहीं, 5% लॉस पे, 5% लॉस, बट ही यूजेस 850 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, फाइंड दिस प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा बच्चों ध्यान रखना, इस पे कंफ्यूज मत हो जाना, 5% लॉस पे बेच रहा है, 5% लॉस पे नहीं बेच रहा है, मतलब अगर ये 100 रुपए की चीज खरीद के लाया तो 95 रुपए में बेच रहा है, तो लॉस नहीं हो रहा है उसको। लॉस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो माल कम बेच रहा है, वो 1 किलो नहीं बेच रहा, 850 ग्राम बेच रहा है, पैसा 1 किलो का ले रहा है,
पर बेच 850 ग्राम रहा है, तो इससे कंफ्यूज मत हो ना कि लॉस हो रहा है इसको। लॉस तो लॉस का मतलब यहाँ पे ये है कि खुद जितने में लाया उससे सस्ता में बेच रहा है, लेकिन माल कम बेच रहा है तो बाद प्रॉफिट हो जाता है इसको फाइनली। अब आप ये देखो, शॉपकीपर ने माल लाया और बेच रहा है जितने में खुद ने खरीदा था, उसे 5% कम प्राइस में खरीद रहा है, बेच रहा है सॉरी, लेकिन क्या कर रहा है, 1000 ग्राम की जगह 1 किलो की जगह 850 ग्राम यूज कर रहा है, तो उसका फाइनली प्रॉफिट हो रहा है जो कितना हो रहा है। टोटल वेट कितना है 1 किलो, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम है टोटल। अब आप ये देख लो अपॉन में क्या आएगा, क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज। अपॉन में क्या आएगा, कितना माल बेचा, 850 ग्राम माल बेचा, 850 ग्राम बेचा तो पत्थर कितने डाले, 150 ग्राम पत्थर डाले होंगे। टोटल 1 किलो करना होता है, 1000 ग्राम करना होता है, तो 150 ग्राम पत्थर डाले। अब लॉस हुआ है तो माइनस, प्रॉफिट होता तो प्लस, कितना हुआ 5%, इसका 5%, 1000 का 5% कितना होगा 50 रुपए, तो 100/850, 2/5 = 5/17 आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। ये क्या फ्रैक्शन में है, इसको परसेंटेज में करने के लिए गुणा 100, देख लो 200/17% इसका उत्तर है, 200/17 कितना होगा, 200/17% इसका उत्तर है। लॉस में माइनस करना है, प्रॉफिट में प्लस करना है और आंसर निकाल देना है। हो रहे हैं चुटकियों में सवाल, एक सवाल और देख लो, चलो ये तो पहले जैसा ही, पर लिख लो फिर भी, अ डिसऑनेस्ट डीलर, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस अ वेट ऑफ 950 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। बहुत आसान है, ये तो कॉस्ट प्राइस में बेच रहा है, कुछ प्लस माइनस नहीं होगा, ना प्रॉफिट होता था प्लस होता है, लॉस होता है नेगेटिव होता है, कॉस्ट प्राइस में कुछ नहीं होगा। नीचे क्या आएगा, कितना माल दिया उसने ग्राहक को, 950 ग्राम, कितने पत्थर डाले, टोटल 1 किलो बेच रहा है ग्राहक को, टोटल 50 ग्राम पत्थर डाले होंगे, 1/19 इसका प्रॉफिट परसेंटेज है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने के लिए गुणा 100, 5% इसका उत्तर आ जाएगा प्रॉफिट। ऊपर का साइन मतलब प्रॉफिट और नीचे का साइन मतलब लॉस। एक सवाल और लिख लो, तो सवाल क्या है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, एक बेईमान दुकानदार अपना माल कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, मतलब जितने में वो खरीद के लाया। इफ ही यूजेस अ फॉल्टी स्केल ही अर्न्स 25% प्रॉफिट, अगर वो गलत तराजू का इस्तेमाल, स्केल मतलब तराजू, गलत तराजू का इस्तेमाल करता है तो 25% प्रॉफिट कमा रहा है। भाई 25% प्रॉफिट कब कमाएगा, कॉस्ट प्राइस में माल बेच रहा है फिर भी प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब कि माल कम बेच रहा है, ग्राहक को बेच उतना ही रहा है, बेच कम रहा है पर पैसे उतने ले रहा है। फाइंड आउट व्हाट वेट डज ही यूज इन प्लेस ऑफ, मतलब 1 किलो बाट की जगह वो 1 किलो बाट की जगह कितना ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है। जो कंसेप्ट अब तक बताया है उसी कंसेप्ट को फॉलो करो। प्रॉफिट कितना है, 25%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो मतलब डिवाइड बाय 100, ये निकालना मेन है। प्रॉफिट कितना है, 1/4, 1/4 का मतलब क्या हुआ कि 4 माल तो उसने बेचा है और 1 माल उसने पत्थर मिलाया है, टोटल माल बेचा कितना है 5। भाई 4 ग्राम माल उसने सही बेचा है, 1 ग्राम के पत्थर मिला है, टोटल माल बेचा है 5 ग्राम, टोटल जोड़ हो गया 4+1 का। अपन को चाहिए कितना कि 1 किलो, तो इसको अपन कन्वर्ट करेंगे किसमें, किलो में, कि टोटल जोड़ 5 ग्राम हो रहा है, टोटल जोड़ कितना होना चाहिए 1 किलो, मतलब कितना हुआ 1000 ग्राम होना चाहिए। वो कैसे होगा, 1/4 है,
200 200 से गुणा कर दो, 200 बटे 800, 200 बटे 800 में 1/4 हुआ। अब इन दोनों का जोड़ कितना हुआ, 200 प्लस 800 का जोड़ कितना हुआ, 1000 ग्राम। ये पूछा है अपन को कि भाई अब 1 किलो के स्थान पे कितना अपन वो कितना शॉपकीपर कितना बाट रख रहा है, भाई 800 ग्राम माल बेच रहा है, 200 ग्राम माल के पत्थर डाल रहा है 200 ग्राम के, तो 800 ग्राम 1 किलो की जगह वो कितना तोड़ रहा है, 800 ग्राम। सीधा फॉर्मूला लगाना है अपन को प्रॉफिट का, प्रॉफिट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, न्यूमरेटर है कितना गंदा माल मिला है उसने, पत्थर मिला है, पानी मिला है, और नीचे वाला क्या है कि कितना माल उसने ग्राहक को दिया है, ऊपर कितना उसने कम तोला है, 100 ग्राम कम तोला है, 1 ग्राम कम तोला है, 4 ग्राम सही तोला है, टोटल 5 ग्राम तोला है। अपन को 1000 ग्राम बताना है अपन को, तो 200 200 से गुणा कर लिया, तो 800 ग्राम ग्राहक को दिया, 200 ग्राम उसने बचा लिया है, 800 ग्राम ग्राहक को दिया, इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलो की जगह 1000 ग्राम के बाट की जगह 800 ग्राम का माल उसने बेचा है। इस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करो, सारे क्वेश्चन आपके चुटकी बजा के हो जाएंगे। इसके अलावा और भी शॉर्ट ट्रिक्स है जो हम आपको आने वाले सीरीज में बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, तब तक बने रहिए। तन्मय शर्मा प्रिपेयर फॉर एसएससी यूट्यूब चैनल के साथ, नमस्कार।